सैकड़ों वर्षों से रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम द्वारा पवित्र किए गए रामटेक के गढ़ मंदिर में एक भव्य तीर्थ यात्रा आयोजित की जाती है। विदर्भ की अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध रामटेक के किले पर राम मंदिर में 30 मार्च को दोपहर ठीक 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर रामटेक में राम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पृष्ठभूमि में पूरी राम नगरी को भगवा पताकाओं से सजाया गया था। सभी प्रमुख सड़कों पर दो तरफा भगवा ध्वज सजे थे। गढ़ मंदिर क्षेत्र में रामटेक के राम भक्त समाज सेवी विकास अरविंद तोतड़े व मित्र परिवार द्वारा राम मंदिर सहित सभी मंदिरों को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है। विदर्भ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से राम भक्त पालकी लेकर पहुंचे थे। रामनवमी की पूर्व संध्या पर भारतीय जनसेवा मंडल की ओर से सुप्रसिद्ध गायक निरंजन बोबड़े द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत व नृत्य कार्यक्रम स्वराभिषेक का सफल आयोजन रामटेक के सुपरमार्केट मैदान में किया गया। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी तिथि को भगवान श्री रामचंद्र का जन्म समारोह मनाया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना अभिषेक के पश्चात दोपहर ठीक 12 बजे राम जन्म संपन्न हुआ। भक्तों ने इस मौके पर जय जय श्री राम का जयकारा लगाया। उसके बाद राम भक्तों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। रामनवमी पर्व के अवसर पर दो अलग अलग पदयात्रा नागपुर से रामटेक के लिए रवाना होकर रामटेक पहुंचे। इस जुलूस में सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। रामटेक शहरवासियों ने तीर्थयात्रियों और राम भक्तों का भव्य स्वागत किया। एक और पदयात्रा देवलापार से शुरू होकर रामटेक पर समाप्त हुई। 30 मार्च को रामनवमी के अवसर पर काकड़ आरती भक्त परिवार द्वारा रामटेक शहर में श्री राम पालकी रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्तों ने भाग लिया। इस पृष्ठभूमि में मंदिर प्रबंधन ने रिसीवर और SDO वंदना सवरंगपते के नेतृत्व में समुचित व्यवस्थापना की। गढ़ मंदिर परिसर और रामटेक शहर में भारी पुलिस बल भी रखा गया था। केसरी उजाला न्यूज के लिए रामटेक से रितेश बरनवाल की रिपोर्ट।